खबर आजमगढ़ जिले से, जहां बुरहनपुर तहसील क्षेत्र के रानीपुर से नौनावे होते हुए मेडिकलनगर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सैकड़ों बार विरोध प्रदर्शन और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते आज लगभग 10 वर्षों से जर्जर सड़क की न तो मरम्मत की गई न ही निर्माण किया गया। इस सड़क के निर्माण के संबंध में हमारी टीम ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामाशंकर वर्मा से बात की। उन्होंने क्षेत्र की जर्जर सड़कों पर सवाल खड़ा किया और अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों द्वारा क्षेत्र की रोडों के लिए लिखित रूप से अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कमीशन के चक्कर में सड़कों का निर्माण नहीं कर रहे और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे। अगर यही रवैया रहा तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे महाराज, जिससे यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायत भी करेंगे। पूरा मामला क्या है देखिए देवानंद गिरी की यह रिपोर्ट। निवासी रायपुर खुरा से, थोड़ा तेज बोला, रायपुर खुरा से। कहाँ जाते हो? घर ही जाते। अच्छा, रायपुर खुरा से निकल रहे हैं। अच्छा, यही है, यही है। हाँ। रोड जो टूटी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रोड बढ़िया बन जाए और कहाँ कहाँ टूटी, कब से टूटी? कई साल, ढेर दिन से टूटी है, कई वर्षों से। हाँ, कई वर्षों से। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई नहीं ध्यान दिया। बहुत दिक्कत से आप लोग साइकिल के टायर पंचर होता कि नहीं पंचर होता है? जब पंचर हो जाए तो करी का जाए बनवाई, दूसर कौन रास्ता हुआ है। पंचर होता है साल से? क्या साल से मशक्कत करते हुआ? अरे तो ढेर दिन से, हम जब से थोड़ा भाई तब से ही। अरे कई साल, 10 साल, 5 साल? हाँ, 10-15-20 साल से। ये ऐसा नहीं गड़बड़िया भाई? नहीं, 10 साल से गड़बड़। तब से भी कोई सुध नहीं लिया? नहीं कोई एकदम। जोगी बाबा कहे ना कि पूरे प्रदेश को सड़क गड्ढा मुक्त कह दे, तो और बढ़िया। कहा तो रहने साल भर, 5 साल पहले कहले रहने। हाँ। तो 5 साल में ना बना सड़क? ना बना। तो यह प्रक्रिया आप लोगों के ना कि बन जाए सड़क, अच्छा हो जाए? हाँ, सड़क बन जाए तो अच्छा है, रास्ता तो बन अच्छी चीज है। चलो ठीक, आप पहले परिचय दीजिए अपना। मैं रमाशंकर वर्मा, भाजपा से विधानसभा संयोजक। अच्छा बताइए, इस समय तो बारिश का समय है, मान लीजिए बारिश अच्छी नहीं हो रही इस बार, लेकिन देखने में आ रहा है रोडों की हालत बड़ी जर्जर है इस बार में। चाहे आप देख लीजिए सेरवा से लेकर के अपरेट जाने वाला रोड, एक उधर भी रोड गड़बड़ है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और इधर आपके गांव के, आप जहाँ हुसैनपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी रोड पूरा अतरेट हो जाती है। अतरेट को जाने वाली दोनों रोड पूरी तरह से जर्जर, अतरेट से जाने वाली दोनों रोड गड्ढा युक्त हो गई है। इतना नहीं है, उसको तो कम से कम 2-3 फीट ऊँचाई करा करके ही पीच करवाना जरूरी है। अगर यह हो जाता है तो वहाँ की जनता के लिए लाभदायक है, नहीं तो वहाँ की जनता हमेशा परेशान रहती। बाढ़ में वो डूब जाती है सड़क, वहाँ से आना जाना सबका बंद हो जाता है। बाढ़ नहीं है तो भी आने जाने में बाइक वाले भी इधर उधर लेकर के बाइक गिर जाते हैं। अच्छा, रोड पे मतलब खतरे से खाली चलना? खतरे से खाली नहीं है और कई लोग उस पर गिरते हैं। इसके लिए जैसे आप भाई संगठन से हैं, आपकी सरकार है, तो आप द्वारा केंद्र राज्य दोनों सरकारें हैं, तो आप इस पे क्या बताना चाहते हैं? सड़क का निर्माण जल्दी होगा? मैं प्रयास करूँगा कि ये दोनों सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। आप प्रयास करेंगे? इसके पहले कोई आपके द्वारा इस पर प्रक्रिया मेरे द्वारा नहीं हुई है, लेकिन उस पर शासन द्वारा चला गया है और उम्मीद है वो जल्द से जल्द बन जाएगी। जल्द से जल्द? हाँ, उम्मीद है ये बरसात बाद ही बन पाएगी, इसके पहले नहीं बन पाएगी। उम्मीद है बरसात के बाद बन जाएगी। अच्छा, यहाँ से देखिए एक सड़क नौनावे जाती है, नौनावे वाली भी जर्जर हो गई है, उसका भी अभी तो कुछ गया नहीं है, लेकिन वह भी जल्द से जल्द उम्मीद है कि 6-7 महीना लग जाएंगे उसको बनने में, उम्मीद बन जाएगी वो भी। अच्छा, मतलब कि पूरा मोड बना लिए? हाँ हाँ, पूरा मोड। कई सालों का मुद्दा है? कई सालों का मुद्दा है, लेकिन अभी हम लोगों के सिस्टम में जो है अभी ये 6 महीना पहले से आया है। 6 महीना पहले से? जी, इसके पहले टूटी थी वो? टूटी थी, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करता था, ना बताता था, ना हम लोग ध्यान देते थे। अच्छा, मतलब ये जोगी जी का एक फरमान था सड़क की गड्ढा मुक्त, क्या अभियान चल रहा है कि खत्म हो गया? गड्ढा मुक्त अभियान इस समय चल रहा है, अभी भी चल रहा है जी। लेकिन कर्मचारी अगर उसमें धोखा दे रहे हैं उनको, तो जोगी जी बैठ करके वहाँ से क्या कर पाएंगे? लेकिन तो फिर भी आप जैसे कार्यकर्ता फिर क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? नहीं तो वही तो सारी सुविधाओं को देखते हुए बताया जाता है। आपका भी दायित्व तो है कुछ? हाँ, मेरा दायित्व तो है, तो दायित्व के तहत हम लोग ऊपर बताते हैं। अब हमारे केंद्रीय मंत्री 20 तारीख को आने वाले हैं, श्री पद नाइक जी, उनसे सारा लिखित हम लोग देंगे। 20 तारीख को आएंगे, 20 तारीख को लेके जाएंगे। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जर्जर पोल है,
आप SDM साहब के आवास के सामने पूरी तरह से टूट गया है जी। इस पे क्या है विद्युत व्यवस्था जो आपके उप मुख्यमंत्री इनका दावा इन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बाद इन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश के जर्जर तार पोल बदल दिए जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे जिले पर जो भी इंजीनियर हैं JEE हैं सारे लोगों को SDU हैं सारे लोगों को सूचित कर दिए हैं कि हर ज़िले में जितने भी तार जर्जर हैं या खंभे जर्जर हैं उनको बदल दिया जाए। तो क्या इस पे काम हो रहा है? काम अभी चालू तो नहीं किए लोग, अभी तो वो सूचना दिए हैं, सूचना के तहत अब जल्द से जल्द काम चालू करेंगे लोग। मतलब बड़ी घटना होगी तभी ये बदलेंगे? नहीं नहीं बड़ी घटना नहीं होने देंगे, उसके पहले वो बदल देंगे, नहीं बदलेंगे उनके ऊपर अप्लीकेशन पड़ेगा उसके बाद। अच्छा सरकार जो पोल पूरी तरह टूट गया है तो कब अप्लीकेशन पड़ेगा उनके खिलाफ? नहीं पोल टूट गया है पोल कब टूटा? पोल SDM आवास के सामने एकदम क्षतिग्रस्त टूट करके दो खंड में हो गया, केवल आम के पेड़ के सहारे खड़ा है। आप देख लीजिए एक सप्ताह के पहले की बात। चलिए हम लोग इंजीनियर से कहेंगे और SDO से कहेंगे उसके बाद बदलेगा।